और इस समय लालू यादव को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चारा घोटाला मामले में फंसे हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जिनका इलाज इस समय रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा था, इस बात की जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं। बता दें आपको, अब अस्पताल में इस बात की योजना बनाई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कोरोना वायरस का कहर जिस तरह से पूरी दुनिया में मंडरा रहा है, इस बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि जिस वार्ड में, यानी कि पेइंग वार्ड में लालू यादव को रखा गया है, वार्ड में, जी हाँ, उसी वार्ड में कोरोना वायरस संक्रमण के लोगों को आइसोलेट भी किया गया है। इसी वजह से लालू के वार्ड को अब शिफ्ट करने की बात हॉस्पिटल के प्रबंधन कार्यों द्वारा की जा रही है। साथ ही एक पत्र भी सामने आया है, जिस पत्र में इस बारे में सारी जानकारियां लिखी हुई हैं। पत्र में लिखा गया है, 74 वर्षीय लालू प्रसाद उर्फ लालू प्रसाद यादव उच्च श्रेणी सजावार बंदी है। वर्तमान में रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज किया जा रहा है। उसी पेइंग वार्ड भवन में ही कोरोना सेंटर अव्यवस्थित है। इसके चलते कोरोना के संक्रमण से इनकार नहीं किया जा सकता। रिम्स प्रबंधन के माध्यम से भी उन्हें किसी और जगह पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से आर्थिक रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।